हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप वीडियो यूट्यूब में पब्लिश करें कि विद इन 30 मिनट 40 मिनट्स के बाद आपकी वीडियो यूट्यूब में रैंक हो जाए, वो भी पहले नंबर पर। जी हाँ, आपने सही सुना, पहले नंबर पर। लॉकडाउन के पीरियड में, जिस लॉकडाउन के बारे में कहा गया स्टे होम स्टे सेफ, यानी आप घर पे बैठे रहेंगे तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। जी हाँ, अगर आप इस दौरान भी आप चाहते हैं कि आप अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करें, तो इसके लिए कैपिटल टेक्नोलॉजी आपको जबरदस्त ऑफर दे रहा है कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सारी चीजें ए टू जेड अवेलेबल है। ठीक, अब बिजनेस सेटअप करने से लेकर प्रमोशन करने तक फिर देर किस बात की, आज ही बुक कीजिए और पहले आइए, पहले पाइए का हिस्सा बनिए। तो मैं आपको यही चीज आज दिखाने वाला हूं और मैं बताने वाला हूं कि आप अपने वीडियो को किसी भी कीवर्ड से आप ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विद इन 30 मिनट 40 मिनट्स के अंदर अंदर आप उस वीडियो को उसके उस कीवर्ड से रैंक कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आज के डेट में अभी जो मैं एक मेन कीवर्ड लिया है, अभी मैं इसका एक सैंपल्स आपको दिखाता हूं। तो इससे पहले कि मैं सैंपल्स दिखाऊं आपको, पहले मैं वीडियो अपलोड कर दूं ताकि इसमें जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस चलता रहे, फिर मैं आपको वो चीज दिखाऊंगा। ठीक है, तो आज जो मेरा जो सैंपल्स है वो सैंपल्स है मल्टी स्टोर का। ठीक है, मल्टी स्टोर का मेरा कीवर्ड है मल्टी वेंडर शॉपिंग एंड्रॉइड ऐप। देखिए, जब आपका वीडियो अपलोड करने जाए तो इसके लिए आपको 3-4 चीजें करना जरूरी होता है। पहले सबसे पहले ये कि आपके पास वीडियो एक रेडी हो, एक वीडियो हमारे पास ऑलरेडी रेडी है, यहाँ पे एडिटेड वीडियो भी रेडी है। ठीक है, दूसरी चीज इसमें जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आपकी थम आप इतना अच्छा दीजिए और इतनी चीजें दीजिए और एग्जैक्ट वही चीजें दीजिए थम में जो आपने वीडियो के अंदर बताया है। ठीक है, अब उस थम को बहुत जबरदस्त तरीके से बनाइए, मेहनत से बनाइए थम को आपको। ठीक है, जैसे आपको ये थम दिख रहा है कितना खूबसूरत सा थम है, और मैंने इस थम के अंदर थंबनेल के अंदर हमने वही चीज यूज किया है जो हमने वीडियो के अंदर रिव्यू किया है। एक रिव्यू वीडियो है, इसके अंदर हमने रिव्यू किया है इस चीज के बारे में। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो है आपका कंटेंट, जो आप बोल रहे हैं, जो चीजें आपने वीडियो के अंदर बताया है उसका ए टू जेड कंटेंट पॉइंट्स में भी होनी चाहिए, कुछ उसका कंटेंट आपका टेक्स्ट में भी होनी चाहिए, उसके डिटेल्स आपको होनी चाहिए, कुछ लिंक्स वगैरह जो आपने यूज किया है दौरान वीडियो में वो चीजें होनी चाहिए। ठीक है, ये पूरी की पूरी सब चीजें होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो चौथी चीज की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कीवर्ड रिसर्च की है। ठीक है, तो ये चार चीज है टोटल जो है चीजें हैं, वो चार चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास वीडियो, आपके पास एक वीडियो रेडी होना चाहिए। दूसरी चीज है एक थंब, एक खूबसूरत सा थंब रेडी होनी चाहिए। तीसरी चीज है कंटेंट रेडी होनी चाहिए। चौथी चीज है कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च कीजिए आप पहले, उस कीवर्ड को किस तरह से रिसर्च करेंगे नहीं करेंगे। जैसे आपको अगर कोई ग्रोसरी स्टोर के बारे में कर रहे हैं सर्च कर रहे हैं, तो आप पहले ग्रोसरी स्टोर के बारे में आप यूट्यूब में जाकर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या ग्रोसरी स्टोर का क्या डिमांड है। जैसे आपने यहाँ पे सर्च किया ग्रोसरी स्टोर, या इस तरह से मेन आपको ग्रोसरी स्टोर है, या अगर आप चाहते हैं ग्रोसरी स्टोर बिजनेस बनाना है तो यहाँ पे लिखिए हाउ टू क्रिएट ग्रोसरी स्टोर। ठीक है, तो इस तरह से आप कीवर्ड रिसर्च करें, रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैंने ग्रोसरी स्टोर डबल डाला है, फिर भी यहाँ पे हमारी वीडियो है वो तीसरे नंबर पे यहाँ पे वीडियो दिख रही है, यहाँ पे हमारी वीडियो चौथे नंबर पे दिख रही है। तो इस तरह की एक एक वीडियो को 40-50 कीवर्ड से भी आप रैंक कर सकते हैं। उसका सैंपल्स मैं अभी करके दिखाऊं कि एक एक वीडियो को कैसे 40-50 कीवर्ड पे 30-40 कीवर्ड से आप रैंक करके देखेंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि हमारे पास वीडियो अपलोड है, वीडियो रेडी है, तो मैं इसमें अपलोड कर देता हूँ और कीवर्ड्स के बारे में मैं रिसर्च करने के बारे में बताना शुरू करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करके मैं अपलोड पे क्लिक कर देता हूँ, और अपलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो मेरा वीडियो है वो वीडियो का मैं लेके आ जाता हूँ। ये मेरे पास वीडियो यहाँ पे रेडी है, मैं इसको यहाँ पे ये मेरे पास वीडियो ऑलरेडी रेडी है, इसके लिए थंब भी हमने रेडी कर रखा है। ये जो थंब हम अभी यूज करेंगे वो थंब भी हमने रेडी कर रखा है, राइट। तो ये मैं वीडियो को ड्रैग करता हूँ और ड्रैग करके यहाँ से मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, राइट।
तो अभी हमारी जो बात है मेन इम्पोर्टेंट बात है वो कीवर्ड रिसर्च की, ठीक। तो ये कीवर्ड्स हमारे मेन कीवर्ड्स है। अभी आप इस वीडियो को देख कैसे रिसर्च करेंगे, आप कीवर्ड की रिसर्च किस तरीके से आप करेंगे, राइट, वो चीज आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आप डायरेक्ट वही कीवर्ड जो मेन कीवर्ड आप लिखना चाह रहे हैं वो कीवर्ड आप सर्च कर लीजिए और देखिए कि इस तरह की वीडियो किन किस तरह से लोग किस तरह से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, किस तरह से होता है, ठीक है। ये देखिए ये वीडियोज अगर आप लोग देखेंगे, सबसे पहले वीडियोज ये वीडियोज है, ये 1.2 के 3 मंथ के अंदर अंदर इसकी व्यूज है, ठीक है। इसके ये वीडियो से आप देख सकते हैं यहाँ पे दो 328 के आसपास है। बट यहाँ पे जो मेन चीज है वो देखिए कि वेंडर मल्टी वेंडर शॉपिंग स्टोर, ये चीज है मेन आपके कीवर्ड से। अगर सपोज तो आप इस कीवर्ड से देखिए ये कंपिटेटर अभी इसमें कम है, तो जिसमें कंपिटेटर कम है जिस कीवर्ड्स में उस कीवर्ड में काम करना बड़ा इजी है। अब देखिए इस कीवर्ड्स में आपको ये मिल गया बेस्ट डील ऑन B2B मार्केट प्लेस, ये भी एक बहुत अच्छा कीवर्ड है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। इस पे एड चल रहा है तो इस कीवर्ड पे भी आप रैंक करना चाहते हैं आप रैंक कर सकते हैं। कंप्लीट मल्टी वेंडर पैकेज ये लिखा हुआ है, मल्टी वेंडर पैकेज के नाम चल रहा है, ये मर्चेंट ये लोग एड चला रहे हैं, लेकिन इस एड को भी अगर आप चाहते हैं तो अपने वीडियो में रैंक करा दे तो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम मुझे क्या है इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा आप की टूल यहाँ पे कीवर्ड tool.io के नाम से, दूसरी चीज है रैपिड टैग के नाम से, वहां से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इस कीवर्ड्स को किस किस तरीके से सर्च किया जाता है। सपोज कि हमें अभी ग्रोसरी शॉपिंग ऐप के बारे में हमें कीवर्ड रिसर्च करनी है और इसी कीवर्ड से हमें रैंक करनी है, ग्रोसरी शॉपिंग एंड्रॉयड ऐप, ये मेरा मेन कीवर्ड्स है, राइट। इस कीवर्ड्स पे लोगों के सर्चेस देखेंगे, सर्च वॉल्यूम्स देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कितने डिमांड में जैसे मार्केटिंग कितने ज्यादा है। या फिर आप यू सर्च कर लीजिए ग्रोसरी एंड्रॉयड ऐप, ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरह सर्च करके देखेंगे तो यहाँ पे भी इसका अंदाजा लग जाएगा किस तरह से लोग सर्च करते हैं। ये जो मेरी वीडियो है ये वीडियो तीसरे नंबर पे आ रहा, चाहे ग्रोसरी ऐप सर्च करे कुछ भी करे फिर भी आ रहा है। रीजन क्या है कि इसके अंदर हमने कीवर्ड रिसर्च किया है और चीजें उन्होंने बताया है, बट आप यही आप यहाँ पे सर्च वॉल्यूम देख लो, यहाँ पे दिख रहा है आपको सर्च वॉल्यूम दिख रहा है 138 के दिख रहा है, ठीक है। बट अगर यही चीज अगर आप करेंगे ग्रोसरी स्टोर, सिर्फ ग्रोसरी स्टोर सर्च करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा सर्च रिजल्ट मिल जाएगा और इसके बहुत ज्यादा सर्च रिजल्ट है। ये बहुत ब्रॉड कीवर्ड है, आप ये जो ग्रोसरी स्टोर है अभी मैं इसमें भी आपको दिखा दूंगा ये किस तरीके से आप ग्रोसरी स्टोर के नाम से आप अपने वीडियो को रैंक पे ला सकते हो भी टॉप 10 रैंक में, ठीक है। जैसे ये है हमारी ये वीडियो है आपको दिख रहा है, ये सारी वीडियोज है हमारी, ये वीडियो जो है लगभग अभी किसी दिन किसी एक महीने पहले डाले, कोई एक महीने पहले डाले, यहाँ पे भी 4 दिन पहले डाले, फिर भी ये वीडियो रैंक पे है, ठीक है। तो ग्रोसरी ऐप ग्रोसरी स्टोर ऐप ये एक लोग इस तरह का सर्च देखते हुए इसका सर्च किस तरह का कितना होता है, तो यहाँ पे जैसे इसका सर्च बहुत कम है, यहाँ पे जो सर्चेस है वो सर्चेस सबसे ज्यादा ग्रोसरी स्टोर का है। जैसा अब ये हाउ टू स्टार्ट अ रिटेलर शॉप, ये भी बहुत अच्छे कीवर्ड्स है, आप इस तरह कीवर्ड्स भी आप लिख सकते हैं, ग्रोसरी स्टोर बिजनेस ये देख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा कीवर्ड्स है। तो ये जो कीवर्ड्स है अगर ग्रोसरी स्टोर के नाम से, इसमें 69 मिलियन मैक्सिमम सर्चेस व्यूज होते हैं, राइट। और यहाँ पे ये चीज कैसे करेंगे आप, ये जो मैंने आपको बताया ये टूल, इसका एक्सटेंशन होता है, इस एक्सटेंशन को ऐड करके रखेंगे हो जाएगा, ठीक है। तो खैर अभी जो मुझे ये कीवर्ड्स पर रैंक करना है मुझे, तो वो मेरा कीवर्ड्स अभी ये वाला था, तो मैं यहाँ पे ये चीजें ऐड कर देता हूँ ऑलरेडी, यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर के नाम से मैं इसको भी ऐड कर देता हूँ, राइट, क्योंकि यहाँ पे मल्टी स्टोर ग्रोसरी स्टोर इस तरह की चीजें मैं इसमें डाल देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे और चीजें रख लें, ये भी चीज आप रख सकते हैं, ये चीजें ये आपका जो बिजनेस मॉडल है कि इनके जो रैंकिंग है आप ये भी देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने किया है, काम किया है, रैंकिंग किया है वो देख सकते हैं। इनकी जो व्यूज है वो 79K व्यूज है 4 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। तो इनके जो व्यूज है वो देख सकते हैं, यहाँ पे ये है ये कीवर्ड्स हैं, ये बड़ा अच्छा कीवर्ड्स इन्होंने यूज किया है, इस कीवर्ड्स की रेटिंग अगर देखना चाहें आप वो देख सकते हैं, इसकी डिमांड देखना चाहेंगे जो मार्केट में इसकी डिमांड क्या है तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये देख सकते हैं कितना इसका मार्केट में डिमांड 1.22 मिलियन, बहुत लंबे चौड़े है। और इसपे भी हमारे वीडियो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, बहुत नीचे है लगभग 50 के आसपास में, बट इस कीवर्ड्स पे मैं आपको दिखाऊंगा जी किस तरीके से इस कीवर्ड्स को यूज करके आप अपने वीडियो को रैंक पे ला सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको सही बोल रहा हूँ, रैंक पे ला सकते हैं, ठीक। इसके अलावा इस कीवर्ड्स के डिमांड है, ये कीवर्ड्स
मार्केट में किस किस तरह से आते हैं, ग्रोसरी स्टोर बिजनेस, ये कीवर्ड्स बहुत जबरदस्त कीवर्ड्स है और इस कीवर्ड्स को मार्केट में कैसे कैसे सर्च किए जाते हैं आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। और इसी कीवर्ड्स पे हमें इसी तरह कीवर्ड्स पे हमें काम करना है और इस कीवर्ड्स पे काम करके हमें अच्छे लेवल तक इसको देखना है। ठीक है, ये देखिए ग्रोसरी स्टोर किस किस तरह से सर्च किए जाते हैं, यहाँ पे आपको सब अंदाजा लग जाएगा। ये सारे वो कीवर्ड्स है जो कीवर्ड्स लोग सर्च करते हैं। यहाँ पे जैसे देखेंगे ये वो कीवर्ड्स है जो लोग सर्च करते हैं यूट्यूब के अंदर। देखिए ये इस तरह के ग्रोसरी स्टोर यूएस, ग्रोसरी स्टोर प्लानिंग ऑनलाइन, इस तरह के बहुत सारे मॉडल्स हैं, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये सारे टूल्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इन चीजों का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो खैर हमारा कीवर्ड्स भी यहाँ फाइन हो गया। अब ये ग्रोसरी स्टोर से रिलेटेड जो कीवर्ड्स है, अगर आपको ये फाइन करना हो कि ग्रोसरी स्टोर के रिलेटेड कीवर्ड्स क्या क्या है, तो आप वो भी फाइन कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से फाइंड कर सकते हैं और इजी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। वो चीज भी आप अपने वीडियो के अंदर यूज कर सकते हैं। अब दोनों जगह की ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रैपिड टैग में भी कर सकते हैं, आप भी यहाँ पे यूट्यूब में भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ग्रोसरी स्टोर देखिए क्या है, ग्रोसरी स्टोर म्यूजिक, ग्रोसरी स्टोर पैक, इस तरह के नाम से लोग जो सर्च करते हैं ग्रोसरी स्टोर और वार, वो वार, ये बहुत जबरदस्त कीवर्ड्स है ग्रोसरी स्टोर वार। आज के दिन बहुत ज्यादा क्या नाम है इसका मगज मारी है इस लॉकडाउन के पीरियड में। ग्रोसरी स्टोर एड, इस तरह के भी नाम से भी सर्च, ग्रोसरी स्टोर बिजनेस, ये जो मैंने आपको अभी दिखाया बताया जो ये कीवर्ड्स जो मैंने अभी के इसमें अपने वीडियो में एड करी है ग्रोसरी स्टोर बिजनेस। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका जिस तरह से सर्च करते हैं रैपिड टैग में, इस तरह से यहाँ पे देखिए ग्रोसरी स्टोर बैकरी, ग्रोसरी स्टोर बैगर, ये कीवर्ड सर्च होते हैं, ग्रोसरी स्टोर बीरोल, इस तरह बहुत सारे हैं। आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा। और इसके सर्च वॉल्यूम वगैरह यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, यहाँ सर्च वॉल्यूम क्या है क्योंकि ये फ्री पेड वर्जन है। इस तरह से आप मेल पटेल की एक वेबसाइट, आप वहां से भी चीजें देख सकते हैं, कीवर्ड्स हैं फ्री में यूज कर सकते हैं, मेल पटेल की एक वेबसाइट है, वहां से आप आराम से यूज करेंगे, वहां पे कीवर्ड्स के आइडिया आप वहां से भी लग जाएगा। लेकिन बेस्ट टूल आपके लिए यूट्यूब आप काम करते हैं तो इसके लिए है, अगर आप वेबसाइट पर काम करते हैं तो तब जाके मेल पटेल की वेबसाइट है वो बेटर है। अगर वेबसाइट करते हैं तो ये मेल पटेल की वेबसाइट है, अगर वेबसाइट में रैंकिंग करना चाह रहे हैं किसी को तो वो चीजें बेटर रहेगा। जैसे आप यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च करना चाह रहे हैं तो कीवर्ड रिसर्च आप आराम से कर सकते हैं, आप सर्च कीजिए यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा इसके सर्च वॉल्यूम क्या है नहीं है, वो पूरा आपको अंदाजा लग जाएगा। और उस कीवर्ड से कौन कौन सी वेबसाइट रैंक है आप ये भी अंदाजा कर सकते हैं, और वो वेबसाइट कितनी के नंबर पर रैंक है आप वो भी अंदाजा कर सकते हैं, और उन्हें कितने बैकलिंक बना रखे आप वो भी अंदाजा कर सकते हैं। देख रहे ये सर्च वॉल्यूम इसका बहुत ज्यादा, ग्रोसरी स्टोर के 1.9 वॉल्यूम है, इसकी सीपीसी रेट देख रहे बहुत लो लेवल की है, हाई लेवल की नहीं है, तो इसमें कीवर्ड रैंकिंग करना बड़ा आसान है। यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर नियर मी, इसके नाम से सर्च करते हैं ग्रोसरी स्टोर नियर बाय मी, इस तरह के सर्च होते हैं, तो इस तरह की चीजें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इससे जो जो कीवर्ड्स रैंक है आपको यहाँ पे, जो जो वेबसाइट्स रैंक है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और उनके सोशल शेयर्स कितने हैं ये दिख रहा होगा, सोशल शेयर्स इसके इतने हैं, सोशल शेयर्स इसके इतने हैं, सोशल शेयर्स इसके इतने हैं। तो सोशल शेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, इस तरह से आप लिंक्डइन हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, ये सारे सोशल जो शेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं किसी चीज को रैंक पे लाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है ये कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं ग्रोसरी स्टोर इन 24 आवर, इस नाम से भी आप यूज करना चाहे बस यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कभी साइन इन मांग रहा है, तो खैर मैंने जो यूज किया या ये जो कीवर्ड्स है ग्रोसरी स्टोर बिजनेस, मैंने ये ऑलरेडी यूज कर लिया, ग्रोसरी स्टोर के नाम से यूज किया, ग्रोसरी स्टोर बिजनेस ये भी यूज किया, ऑनर आ ग्रोसरी स्टोर ये भी मैंने की स्टार्ट बिजनेस स्टार्टिंग बिजनेस ये बिजनेस ये हटा देता हूँ, ग्रोसरी स्टोर गोइंग ऑन गोइंग आउट ऑफ बिजनेस, यहाँ पे आप वो चीज सर्च कीजिए जो आपके रिलेटेड में है और जो नहीं है आप उसको यहाँ से हटा सकते हैं। तो लगभग सारे कीवर्ड्स हैं जो ये हमारे इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं इन सारे कीवर्ड्स को मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके इनको मैं अपने वीडियोस में या अपने कैश में टैक्स में डाल लेता हूँ। ठीक है, तो ये तो रहे हमारे टाइटल्स के बारे में, हमने कि यहाँ पे आइडिया लगा लिया कि हमें किस हिसाब से करना है। यहाँ पे ये जो हमारा मल्टी वेंडर के नाम से एप्लीकेशन है, यहाँ पे हम ग्रोसरी एंड्रॉयड ऐप, तो मैं ये भी डाल लेता हूँ ग्रोसरी एंड्रॉयड ऐप। ठीक है,
ग्रोसरी एंड्रॉइड ऐप के नाम से यहाँ पर आ गया। और इसके बाद क्या कर रहे हैं आपको, इसके बाद सबसे पहले जो काम आपको करना रहेगा कि आप ये टैग जो है इस टैग को एज इट इज वही डाल दीजिए जो आपने वहां पे स्टार्ट किया है। और इसके अलावा क्या करें, यहाँ पे कुछ और भी इसी से रिलेटेड कीवर्ड्स ये आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ज्यादा ऐड नहीं होगा क्योंकि ये 97 कीवर्ड्स हो गया, यहाँ 100 वर्ड आप इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पे और भी जो इससे रिलेटेड कीवर्ड्स है वो कीवर्ड्स भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे ग्रोसरी मार्ट, ठीक है, ये कीवर्ड से आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं ग्रोसरी मार्ट, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे किराना स्टोर उसी से रिलेटेड है, किराना स्टोर, ठीक है। या यहाँ पे इसके अलावा आप लिख लीजिए मल्टी, जैसे अभी एक चीज इसमें और है शॉपर स्टोर, शॉपर मैनेजमेंट, इसके अंदर शॉपर मैनेजमेंट की चीजें हैं तो वो चीज भी आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे शॉपर मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट। तो ये चीजें स्टोर मैनेजमेंट, ये भी एक कीवर्ड्स हैं, तो ये भी बहुत अच्छा कीवर्ड्स हैं, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं स्टोर मैनेजमेंट, क्योंकि मैंने वीडियो के अंदर ये सारी चीजें बताई, स्टोर मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे, शॉपर मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे, ये सारी चीजें मैंने वीडियो के अंदर मैंने ऑलरेडी बताई है। तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर ये चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप जो अगर ये है इस वीडियो के बारे में क्या है नहीं है तो वो चीज आप लिख सकते हैं। हाय यहाँ पे आप लिखिए या इन दिस वीडियो, अच्छा ये चीजें आप खुद से लिखिए बेटर है कि क्या सीख सकते हैं इस वीडियो के अंदर, क्या सीख, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इस वीडियो के अंदर। इन दिस वीडियो यू कैन नो अबाउट मल्टी वेंडर मल्टी वेंडर शॉपिंग, यानी अगर आप मल्टी वेंडर शॉपिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, मल्टी वेंडर शॉपिंग एंड्रॉयड ऐप, ठीक है। मैंने जो मेरा जो मेन कीवर्ड है उसको मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है, ठीक है। जो मेरा मेन कीवर्ड क्या था, मल्टी वेंडर एंड्रॉयड ऐप मैंने मेन कीवर्ड्स था, ठीक है। और ये जो सब देख रहे हैं ये उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो चीज मैं यहाँ पर दोबारा यूज नहीं करूंगा। और या दूसरा चीज ऑप्शन डाल दो यहाँ पे कि इसी से रिलेटेड जो है वो है कि हाउ टू स्टार्ट अ रिटेलर शॉप या मल्टी बिजनेस, या इस तरह से एक दूसरी दूसरा जो एक का बहुत अच्छा कीवर्ड्स था वो कीवर्ड्स भी आप यूज कर सकते हैं। ये आप डायरेक्ट सर्च करेंगे यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर, तो ये जो कीवर्ड है हाउ टू स्टार्ट अ रिटेलर शॉप, हाँ यही कीवर्ड से रिटेलर बिजनेस इन इंडिया, तो ये भी एक बहुत अच्छा कीवर्ड से जो इन्होंने यूज किया है, बंदे ने यूज किया है, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं कि हाउ टू स्टार्ट अ ग्रोसरी स्टोर, ठीक है। हाउ टू आप किस हर एक कॉपी ना करें किसी कीवर्ड्स, आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस करें। हाउ टू स्टार्ट ग्रोसरी स्टोर, ठीक है, आप ये भी ये कर सकते हैं। या मल्टी वेंडर ग्रोसरी स्टोर विद मल्टी वेंडर, आप ये भी चीज कर सकते हैं। तो आप यहां पे डाल लीजिए विद मल्टी वेंडर, ठीक है, ये हो गया मल्टी वेंडर हो गया और मल्टी स्टोर हो गया, ये सारे कीवर्ड्स जो इसके अंदर यूज हुए मल्टी स्टोर, मल्टी सेलर ये भी आप यूज कर सकते हैं, मल्टी सेलर क्योंकि जो वेंडर है वही सेलर कहलाता है, इस तरह से मल्टी वेंडर हो गया, मल्टी सेलर हो गया, मल्टी शॉपर हो गया, मल्टी शॉपर मतलब शॉप छोटी छोटी जो शॉप होता है उसको कहते हैं मल्टी शॉपर। तो ये चीजें भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं बिल्कुल इजीली, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद
आप जो है जो भी कंटेंट्स है उसके वीडियो के जो कंटेंट्स है आप यहाँ पे गैप दे दीजिए। यहाँ पे जो वीडियो के जो कंटेंट्स है जो आपने राइट किया है वो पूरा एक जगह पहले से लिख के रखिए, वीडियो अपलोड करने से पहले उसका यहाँ पे आप इसको अपलोड यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे अपलोड हो गया, मैंने सब पूरा एक यूजर मैंने इसमें डाल दिया, जो भी इसके वीडियो की डिस्क्रिप्शन उसका जो भी कुछ है मैंने इसका पूरा डाल दिया इसमें। राइट, ये सब कुछ पूरा डल गया। अब इसके बाद जो है कुछ चेंजेस करनी है यहाँ पे, वो वेबसाइट चेंजेस करनी है capitaltechnology.org। ठीक है, ये हो गया। तो ये सारे सोशल पेजेस वगैरह ये भी आप डाल के रखिए और ये पूरा इसका काम जो है इसका पूरा अभी हो गया लगभग लगभग। अब इसके बाद क्या करना है, आपको थंब ऐड करना है। ठीक है, आप थंब ऐड कीजिए यहाँ पे, जो हमारे वीडियो है वो है वीडियो के जो थंब है ग्रोसरी, ये वाले थंब है। ठीक है, और थंब में भी आप वही कीवर्ड यूज कीजिए, एग्जैक्ट वही कीवर्ड यूज कीजिए, वीडियो में भी वही कीवर्ड यूज कीजिए जो कीवर्ड्स आपने डाला है। वीडियो अपलोड करने से पहले ही उस वीडियो का नाम भी आप चेंज कर लीजिए, थंब में भी वही कीवर्ड यूज कीजिए, अपना का टाइटल में वो कीवर्ड यूज कीजिए और साथ ही वीडियो को भी इसमें यूज कीजिए, तीनों जगह आप वही यूज कीजिए। ठीक है, इसके बाद आप इसको वो कर सकते हैं, यहाँ पे कैटेगरी वाइज बना सकते हैं इसको। ठीक है, ग्रोसरी एप सीरीज के नाम से पूरा मैंने इसको बना दिया, तो ये हो गया, इसमें मैंने सेलेक्ट कर दिया और ये वीडियो किस बच्चे से रिलेटेड गया है किससे, तो मैं लिख दिया यहाँ पे। और इसके बाद आती है टैग की, तो टैग में सबसे पहला काम जो होता है वो ये होता है कि जो आपने टाइटल में जो डाले हैं, देखिए यहाँ पे मैंने तीन चीजें मैं बता दी आपको, एक तो वो है जो आपने टाइटल डाला है अपना ये कीमेन कीवर्ड डाला है टाइटल में, दूसरा वीडियो में, तीसरी जो आपका जो आपने यूज किया है डिस्क्रिप्शन में, और चौथी चीज आपको यहाँ पे आ गया डिस्क्रिप्शन में वो कीवर्ड आ गया, चौथी चीज आपके थंबनेल में भी आ गया, पांचवी चीज है वीडियो के अंदर सबसे पहले आप वही डाले वही कीवर्ड्स डाले जो आपने यूज किया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए आप कोमा ये सब कोमा हटा लीजिए क्योंकि यहाँ पे ये काम नहीं करेगा, ये जो मैंने डाल रखा ये काम नहीं करेगा, इसके लिए अलग अलग करने के लिए हमें यहाँ पे कोमा लेना है। ठीक है, ये कीवर्ड्स पूरा आ गया, सबको यहाँ से आप लेके आप यहाँ पे डाल दीजिए, हो गया। अब जैसे और कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको लेनी है वो आप यहाँ से ले सकते हैं, या जैसे ग्रोसरी स्टोर आ गया, ये भी आ गया, तो ये हटा दीजिए आप। ठीक है, जो कीवर्ड्स आ गया है उसको आप डबल दोबारा मत डालिए, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर हो गया ऑलरेडी आ चुका है, तो आप ये वहां पे बिल्कुल मत डालिए। ठीक है, जो कीवर्ड्स आ गया उसको मत डालिए, ग्रोसरी बिजनेस भी आ गया है जिसको भी हटा दीजिए, ग्रोसरी ये भी हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, ये ठीक स्टार्ट अप बिजनेस ये ठीक है, ग्रोसरी ये ठीक है, ओपनिंग अ ग्रोसरी स्टोर ठीक है, हाउ टू ओपन ग्रोसरी स्टोर ये ठीक है, हाउ टू स्टार्ट अप बिजनेस ये दो जगह आ गया लग रहा, हाउ टू स्टार्ट ठीक है, हाउ टू स्टार्ट हाउ टू ओपन अ ग्रोसरी स्टोर इन कनाडा, ये कनाडा में किस तरह से होगा, किराना स्टोर बिजनेस, ये हाउ टू रन अ बिजनेस किराना स्टोर बिजनेस प्लान। ठीक है, इस तरह से किराना स्टोर बिजनेस आइडिया, किराना स्टोर ग्रोसरी ग्रोसरी स्टोर ये हटा दीजिए, मॉडल किराना स्टोर का क्लोजिंग ये हटा दीजिए, किराना स्टोर बिजनेस इन्वेस्टमेंट कितना होगा नहीं होगा ये कोई सर्च करता है तो ठीक है, और ये स्टार्टअप कैसे होगा, तो ये कीवर्ड्स हो गए आपके जो अच्छे अच्छे कीवर्ड्स हैं, आप इनको यूज कर लीजिए टैग में। राइट, तो टैग ये बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ा आप इतना क्या कीवर्ड्स आप ना यूज करें, तो खैर जो जो चीजें इससे रिलेटेड नहीं है तो वो मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि इसमें थोड़ा कम हो जाए। अब ये कनाडा ये थोड़ा सा वो दूर हो गया, ये लंबा है थोड़ा सा, चलिए वो हट गया,
यहाँ पे ये हटा दिया, यहाँ पे ऑनरिंग स्टोर ये हटा दिया, ग्रोसरी स्टोर गोइंग ऑन गोटर्स ये हट गया। अब और 15 कीवर्ड्स हैं, जैसे ग्रोसरी मार्ट किधर गया, कोई 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 वगैरह तो आप देखें जो इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा उसको रखे रहिए और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको आप यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है। ये शॉपर मैनेजमेंट ये अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं ये हटा दिया यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका टैग भी डल गया, तो टैग आप रैपिड टैग से डाल सकते हो, राइट हो गया। अब क्या करना है देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो करना है आपको। इसके बाद अब ये ग्रोसरी स्टोर आपने सर्च किया था यहाँ से कीवर्ड टूल से सर्च किया था, ठीक है। तो आप क्या करें इसको भी ले सकते हैं, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ये डाल दीजिए हाउ टू, ये हाउ टू का वर्ड जो है ये बहुत सर्च होता है, हाउ टू स्टार्ट ग्रोसरी स्टोर, ठीक है। आप इसको यहाँ पे सर्च कर लीजिए और देखिए इस तरह के कीवर्ड्स को कैसे सर्च किया जाता है। जैसे ये मैंने सर्च किया था ग्रोसरी स्टोर बिजनेस, तो वो ग्रोसरी स्टोर बिजनेस यहाँ पे किस तरह सर्च किया जाता है, ग्रोसरी स्टोर बिजनेस प्लान इन यूएसए, ये कीवर्ड्स आप ले सकते हैं, ये ले सकते हैं बहुत अच्छा है, ये ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, प्लान इन यूएसए ये भी अच्छा कीवर्ड्स है, ये इंडिया में है, ये कनाडा में है, ये दुबई में है, बड़े अच्छे बड़े बड़े कीवर्ड्स अच्छे अच्छे है, स्टोर आइडिया फॉर बिजनेस ये भी अच्छा कीवर्ड्स है, ये बिजनेस आइडिया ये रिलेटेड कीवर्ड्स है इन पाकिस्तान इंडिया बिजनेस इंडिया। तो ये सारी जो चीजें हैं आप ये आराम से यूज करते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट क्या है, इसका प्लान कन्नड़ा कन्नड़ कन्नड़ में क्या चीज है, जैसे मिनिमम ग्रोसरी स्टोर किस तरह से हम वो करेंगे, तो ये भी चीज ठीक है सही है। तो इसमें ज्यादा आप इतना बना रहे हैं प्लान इन हिंदी, क्योंकि हमने हिंदी में समझाया है उसमें, यहाँ पे प्लान इन कनाडा ये एक मतलब जब आ गया तो उसकी जरूरत नहीं है। जैसे स्टार ग्रोसरी बिजनेस ये एक अच्छा है, फिर रिटेलर ग्रोसरी स्टोर बिजनेस ये भी अच्छा है। तो यहाँ पे लगभग 16 कीवर्ड्स आपके यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये व्हाट्सएप बिजनेस है ग्रोसरी स्टोर, ये बड़ा यूनिक कीवर्ड्स है, आप वो भी ले सकते हैं। ये आपका हो गया कॉपी, ठीक है। कॉपी के बाद क्या करें, आपके इनको टैग में डाल दें, जो आपके जो वीडियो है वीडियो के अंदर आप लिख दीजिए टैग्स के नाम से, या ऐसे ही डाल दीजिए कोई इशू नहीं है। तो आप वीडियो के अंदर कहीं पे भी आप लिख दीजिए जो ये क्या है आपके टैग्स हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टैग्स के नाम से, वो ये लिख के मैं ये डाल देता हूँ यहाँ पे, ये हो गया हमारा टैग्स, ठीक है। इसके अलावा क्या आप और कोई कीवर्ड्स अगर यूज करना चाहें, ज्यादा ना यूज करो तो बेटर है। ये चीज अगर आपको गूगल में रैंक करना तो गूगल में भी रैंक कर सकते हैं आप। अब जैसे मैंने यहाँ पे हाउ टू स्टार्ट बिजनेस ये मैंने सर्च किया था, इससे रिलेटेड जो है ये कीवर्ड्स आ गया यहाँ पे, तो ये कीवर्ड्स भी आप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली आप यूज कर सकते हैं अपने थीम के अंदर, अपने टैग के अंदर, अपने उसके अंदर। तो इसमें से कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैं ले लेता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन आप कम कीवर्ड्स यूज करें तो अच्छा है। यहाँ पे ये मुंबई, मुंबई नहीं आया था, यहाँ पे तमिल नहीं आया था, यहाँ पे दिल्ली नहीं, चेन्नई आया था, चेन्नई नहीं आया था। तो इस तरह की चीजें भी आप ले सकते हैं उस पर, ठीक है। अब यहाँ पे कोई बंदा जैसे सर्च करता है, और यहाँ पे आपको बहुत जरूरी है 5000 वर्ड आपको लिखने के लिए दिया गया है, आप लिखिए जितना लिख पा रहे हैं, जिस तरह रिलेटेड है जो रिलेटेड है आप वही लिखिए, कोई दूसरी चीजें बिल्कुल ना लिखें इस पे, और हर एक को बिल्कुल अलग अलग रखें ताकि किसी से एक दूसरे से मैच ना हो जाए, आप उसको मैच ना करें किसी एक किसी को किसी चीज को, ताकि लोगों को समझने में आसानी हो और परेशानी किसी को ना हो, ठीक है। तो ये तो होगा एक पूरी चीज का पूरा राम कहानी, जब एक वीडियो किस तरह से पब्लिश करना है, वीडियो डालने का क्या प्रोसेस होगा, ये पूरा मैंने आपको बता दिया। और जितना क्विकली हो सके आप इसको पब्लिश कर दीजिए, जितना भी क्विकली हो सके पब्लिश कर दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, आपको उसको नेक्स्ट में क्लिक करना है। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एंड स्क्रीन लगा देना है, जो भी आप एंड स्क्रीन लगाना चाहते हैं आप लगा दीजिए। तो मेरे केस में मैं यहाँ पे एक ये लगाऊंगा, प्ले लिस्ट डालूंगा, और यहाँ पे ये मैं ऑल वीडियोस में डाल देता हूँ, और यहाँ पे
यहाँ वीडियो में डालूंगा, ये अच्छा वीडियो डालूंगा, ये वाला अच्छा है ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और एक वीडियो में चूज कर लेता हूँ, तो ये वीडियो आप कोई सा भी चूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जो आप कौन से चूज करें। तो बेटर यही है कि जो आपकी वीडियो से रिलेटेड वीडियो है आप वो चूज करें तो बहुत अच्छा अच्छा होता है ठीक है। कि आप ये ग्रोसरी स्टोर ने लिखा हाउ टू स्टार्ट ग्रोसरी स्टोर, अच्छा ग्रोसरी स्टोर का नाम सब ऑलरेडी बना रखे हैं, हाउ टू स्टार्ट योर ऑन ग्रोसरी स्टोर, ये आ गया ठीक। इसके बाद हमने यहाँ पे सेव कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे आप ये भी लगा सकते हैं एड टू कार्ट, आप एंड में भी लगा सकते हैं, स्टार्ट में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आप प्लेलिस्ट भी डाल सकते हैं, जो आपको दिल करे आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट जो चीजें थी मैंने आपको वो बताया कि इम्पोर्टेंट कौन कौन सी चीजें थी और किस किस तरीके से चीजें आप वहां पे कर सकते हैं। मैं कह सकती ये कहीं पे भी आप इसको ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं ठीक है। तो ये हो गया, उसके बाद आपको यहाँ पे रन यूट्यूब स्टूडियो फिर आ जाना है, तब ये पूरा प्रोसेस आपका एक वीडियो डालने का पूरा प्रोसेस तब वो यहाँ पे अभी लगभग ये डन हो चुका है। अब इसको पब्लिक मत कीजिए, जितना हो सके इमीडिएटली वीडियो अपलोड होने के बाद जितना इमीडिएटली हो सके आप इसको पब्लिक कर दीजिए ठीक। ये आपका वीडियो अभी ये पूरा प्रोसेस ये पब्लिक ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैंने इसमें नहीं की है और नहीं किया था नहीं कर पाया वो क्या इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको वो बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत जरूरी भी चीज है ठीक है। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपने ये वीडियो का पूरा प्रोसेस पब्लिश कर दिया, अब क्या करें इसको क्या आपको एक जगह शेयर करना चाहिए था, मैंने नहीं किया शेयर, मैं अभी शेयर करूंगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज मेरे से छूट गई है, वो क्या है कि आपको टैग करना है। टैग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे टैग आपको अगर ये ग्रोसरी स्टोर के नाम से करना है या फिर आपको ये मल्टी वेंडर के नाम से करना है तो आप मल्टी वेंडर के नाम से आप टैग कर सकते हैं। ग्रोसरी स्टोर के नाम से है तो ग्रोसरी स्टोर के नाम से करना चाहते हैं, ग्रोसरी स्टोर बिजनेस के नाम से है तो ये भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है वो आप कुछ से करना चाह रहे हैं। तो खैर मेरा जो पहला कीवर्ड था उस कीवर्ड्स वो मेरा यही कीवर्ड्स था, तो उस कीवर्ड्स को जहां पे भी है मैं उसको टैग में डाल सकता हूँ, कहीं पे भी आप उसको एज अ टैग आप बना दीजिए। इसको यहाँ पे ये मेरे पास है तो मैं इसको एज अ टैग बना देता हूँ, वो कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एड में भी यूज कर सकते हैं और ऐप के अंदर यूज कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये हाउ टू स्टार्ट अ ग्रोसरी स्टोर, ये भी है यहाँ पे मल्टी वेंडर भी एक इसमें डला गया है, यहाँ पे शॉपर मैनेजमेंट ये डला गया है। तो आप टैग ले लीजिए, टैग के यहाँ पे डाल देता हूँ मैं टैग, तो इस तरह से एक टैग ये हो गया। दूसरा टैग मैं ये ले लेता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, ये आप कहीं पे भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। ये हो गया, उसके बाद आपका ये हो गया। अब ज्यादा मत यूज कीजिए, 3-4 यूज कीजिए अच्छा है। कोई लोग होते हैं कि बहुत ज्यादा यूज कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है, गूगल भी देखता है क्रॉल करता है कि कौन क्या क्या यूज कर रहा है नहीं कर रहा है, आपसे ज्यादा चालाक गूगल है। हाँ गूगल के जो पांडा है और हेलिंग बर्ड है, मैं इनका फंडा में आपको समझाऊंगा ये पांडा क्या करते हैं, हेलिंग बर्ड क्या करते हैं, उनका क्या 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 काम होता है, ये अगर कभी किसी दिन मौका मिले तो मैं बताऊंगा वो किस तरह से क्रॉल करता है। तो ये वेबसाइट के लिए ज्यादातर काम आता है, लेकिन आपको मोबाइल के लिए जितना मैंने आपको बताया ये बहुत काफी है, इससे ज्यादा कोई चीज आपको जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा हो जाएगा ठीक है। तो खैर ये आपका टोटल काम जो है डन हो गया, अब क्या करना है इसको सोशल में जितना हो सके जहां जहां हो सके ग्रुप्स में हो सके, हाँ एक ध्यान रखिए कि आप इसको स्पैम ना करें, एक ही चैनल से एक ही सोशल के चैनल से ना कराए, अपने दोस्तों को बताया उसको शेयर कराए वो सब कराए ठीक है। तो ये आप लोगों को कर सकते हैं, लेकिन मेरे कैसे मैं कहीं ज्यादा शेयर करने वाला हूं नहीं, मैं 2-3 जगह ही शेयर करूंगा इसको। यहाँ पे सबसे पहले मैं इस वीडियो को मैं डाल लेता हूँ, एड में सर्च कर लेता हूँ कि आप मुझे इसमें शेयर करना स्टार्ट करना है राइट। और शेयर हम जो करेंगे वो सबसे पहले जो शेयर है फेसबुक के अपने पेज है, मैं फेसबुक के पेज पे करूंगा ठीक है। और अपने वीडियो को आप कभी भी मत देखिए, नहीं तो आपके चैनल में प्रॉब्लम आ सकती है ठीक है।
तो यहाँ पे आप मैंने अपने वीडियो के जो प्रोफाइल है मैं वहां पे डाल देता हूँ। और यहाँ पे भी जो शेयर जो करें, एक इम्पोर्टेंट बात है, जो शेयर करें वहां पे आप अपने टाइटल जरूर डालिए। जी हाँ, टाइटल अपना जरूर डालिए वहां पे, या वीडियो के बारे में थोड़ा बहुत जरूर डालिए। जैसे ये इन दिस वीडियो की इस वीडियो में क्या सीख सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है कि इस वीडियो में क्या सीख सकते हैं, वो डाल सकते हैं। टाइटल आप ये डाल दीजिए। ठीक, तो ये इसमें क्या होगा, इसमें हमने एक टैग भी यूज कर लिया इस कीवर्ड में, तो आप यहाँ पे भी टैग यूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी वो टैग यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो आपकी जो वीडियो है ना, वो वीडियो क्या नाम है, रैंक ही पर रहेगा, यहाँ पे भी सोशल पे भी रैंक ही पर रहेगा। ठीक है, यहाँ से ये नीचे हटने वाला है नहीं, ग्रोसरी स्टोर, क्योंकि यूट्यूब भी फेसबुक भी बहुत वो है रैंकिंग के लिए अच्छे है, ग्रोसरी स्टोर, इसके बाद ग्रोसरी स्टोर बिजनेस, हमारे मेन मेन कीवर्ड्स था वो यही था, ये था, ये पूरा ले लेता हूँ। ठीक है, ये आ गया, अब इसको कॉपी कर ले ताकि दूसरी जगह यूज कर सके इसको। तो यहाँ पे आप इसको पब्लिक में पोस्ट कर दीजिए। ठीक, ये पोस्ट हो गया। इसके बाद अगर आपको हो सकता है तो आप क्या करें कि इसको पेज में भी डालिए, शेयर कर दीजिए, जो आपका मेन पेज है अब उस पेज में भी शेयर कीजिए, फेसबुक के जो पेज है उस पेज में आप शेयर कर दीजिए। तो मेरे पास जो पेज है वो इसी नाम कैपिटल टेक के नाम से पेज है, तो मैं उस पेज में भी इसको शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये शेयर कर दे रहा हूँ। अच्छा, कुछ ग्रुप्स है, जहाँ पे ग्रुप्स में आप शेयर करना चाहते हैं तो आप ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हैं। तो मैं फेसबुक के ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे ग्रुप्स आ गया ये, तो कोई भी ग्रुप्स, अब बेटर यही है कि आप जो वीडियो है उससे रिलेटेड ग्रुप्स में शेयर कीजिए तो ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि उससे रिलेटेड वीडियो जो व्यूज होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद ट्विटर में आप उसको शेयर कर देता हूँ। अब सोशल प्लेटफॉर्म में जितनी जगह हो सके, जहां जहां हो सके आप उनको फैलाइए, पहुंचाइए, ताकि वो जो है गूगल जब कॉल करे तो गूगल को भी लगे कि जेन्युइन चीजें ज्यादा लोगों तक पहुंचा है, वो चीजें फिर गूगल जैसे दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये है, आप यहाँ पे भी वही चैट चीजें डाल सकते हैं ग्रोसरी के बारे में, यहाँ पर ऑलरेडी इसका वो आ ही रहा है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से चीजें हटा देता हूँ थोड़े जैसे, क्योंकि मैं ट्विटर में ज्यादा नहीं लेता है कीवर्ड्स, है ना, ये विद मल्टी स्टोर। ठीक है, ये सही है। ठीक है, ये आपका मैं इस तरह से हो गया, ये ठीक है चलेगा। उसके बाद यहाँ पे ट्विटर पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ये वीडियो आपका यहाँ पे पब्लिश हो गया। ठीक है, अब चाहे तो वो थंब भी आप यहाँ पे ट्विटर में डाल सकते हैं, फेसबुक में वो थंब भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डालना चाहे डाल सकते हैं, और वही कीवर्ड्स वही चीज सेम आप यूज करना चाहे यूज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे क्या हो, ये थंब भी रैंक हो जाएगा, अगर आप चाहते थंब रैंक कराना चाहे तो इस तरह फेसबुक में डाल सकते, थंब देख के भी लोग जो है विजिट करते हैं। ठीक है, तो उस थंब के अंदर आप वो भी डाल सकते थे, क्या नाम है, वीडियो का लिंक भी डाल सकते थे, तो खैर ये इशू नहीं है, कोई ज्यादा कोई बड़ा मसला नहीं है। इसके बाद क्या है कि आप पिंटरेस्टेड में, पिंटरेस्टेड बहुत अच्छा है, यूट्यूब के रैंकिंग या किसी चीज के रैंकिंग में आज के डेट में पिंटरेस्टेड बहुत अच्छा है, फेसबुक और ट्विटर के बाद सबसे अच्छा जो काम करता है वो, जितना मैंने यूज किया, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, वो पिंटरेस्ट का बहुत काम करता है, अच्छा काम करता है। ठीक है, इस वजह से इसमें बहुत सारे लिंक्डइन है, मेल है, आप मेल करना चाहे मेल कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें, बट मैं ये सारी चीजें अब करने वाला नहीं हूँ, जो जितना मेरा काम था मैंने इसको अभी कर लिया। अब क्या है कि अभी मैं वीडियो पब्लिश किए हुए, हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा मेरा 15 से 20 मिनट ही हुआ होगा, ज्यादा नहीं हुआ होगा, अभी आपको अंदाजा लग जाए जिस वीडियो को पब्लिश हुए कितना टाइम हुआ, टाइम हुआ नहीं हुआ, अभी इसका ये चीज अगर आपको देखना हो तो आप वो भी देख सकते हैं। वो कैसे देखेंगे कि आप यहाँ पे डायरेक्ट यूट्यूब में डालिए, तो सॉरी डायरेक्ट यूट्यूब में नहीं है, यूट्यूब में नहीं आएगा ये, डायरेक्ट गूगल में डालना पड़ेगा आपको,
अच्छा अभी ये इस कीवर्ड से ये नहीं आ रहा है, एक मिनट, तो इसका टाइटल मैं सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पे देख लेता हूँ किस नाम से। हाँ ये वीडियो आ गया, ठीक है, 9 मिनट में वीडियो आएंगे आपको गूगल में, वीडियो में आपको नंबर 1 पे मिल रहा है, मतलब नंबर 2 पे आ गया 9 मिनट के अंदर अंदर। मैंने आपने सिर्फ वो हेडिंग डाला, इसी वजह से बोलेंगे कि ये हेडिंग डाला, बट हमारा ये मेन कीवर्ड था, ये कीवर्ड था मल्टी वेंडर के नाम से, ये कीवर्ड था। अगर आप इस पे भी देखेंगे तो इस पे अभी ये नहीं आया लग रहा, अच्छा इस पे अभी नहीं आया है तो, बट इसका अगर हम टैग करने लगेंगे शायद का टैग से आ जाए, ठीक है। तो गूगल की बात है, गूगल में बहुत हाई रैंकिंग है, हाई ट्रैफिक है वहां पे ये चीज है, तो मे बी टैग में ये आ जाए, टैग में आ ही जाएगा क्योंकि इस पर कोई शायद बनाया ही नहीं होगा मल्टी वेंडर, नहीं नहीं ये टैग पे भी अभी नहीं आया है, तो खैर ये टैग पे भी एक दो दिन के अंदर ये भी आ जाएगा। और रही बात अब यूट्यूब की, तो हम यूट्यूब में बात कर लेते हैं, यूट्यूब में डायरेक्ट आप सर्च करेंगे, यहाँ पे जो आपका मेन कीवर्ड था ये टाइटल सर्च करेंगे वो तो आ ही जाएगा, गूगल में जब आइए तो यहाँ पे तो आ ही जाएगा फर्स्ट पे, उससे कोई बड़ी बात नहीं है, कोई टाइटल से सर्च नहीं करके आएगा, मेन आपका कीवर्ड से सर्च करके आएगा। फिर भी इस कीवर्ड के अगर आप सर्च वॉल्यूम देखें तो बहुत अच्छा अच्छा खासा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो मेन कीवर्ड था वो ये था, जो हमारे मेन फोकस करना था कीवर्ड्स पे। आपको सबसे पहले जो वीडियो दिख रही है वो हमारी वीडियो है, जी हाँ मैं देख रहा हूँ, सबसे पहली वीडियो आपको दिख रही है वो हमारी वीडियो है। मैंने आपसे कहा था कि विद इन 30 मिनट्स के अंदर मेरा अपने कीवर्ड्स को रैंक कर देंगे, वो भी 100, वो भी टॉप 10 में। अब देखिए 10 मिनट के अंदर मेरा वो कीवर्ड रैंक हो गया, तो जी हाँ ये वीडियो, ये कीवर्ड्स, ये अभी लगभग 10 से 20 कीवर्ड्स के ऊपर रैंक हो गया होगा अभी तक। आपको अगर अंदाजा करना हो तो बिल्कुल अंदाजा कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिख लीजिए मल्टी स्टोर शॉपिंग एंड्रॉइड ऐप, या फिर आप ये कर लीजिए मल्टी स्टोर ग्रोसरी शॉपिंग ऐप, आप ये भी सर्च करके देख सकते हैं, आपको वहां पे मिल जाएगा मल्टी स्टोर ग्रोसरी। कीवर्ड्स को थोड़ा बहुत इधर उधर करके भी डालते रहेंगे फिर भी आपको मिल जाएगा, वो हिलने वाला नहीं है, अब ये रह गया, ये कम से कम जो रहेगा जब तक कोई बंदा काम नहीं करता इस पे तब तक ये रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आप और सर्च कर लीजिए इस पे, क्या नाम है, ग्रोसरी बिजनेस जो मैंने सर्च किया डाला था आपको, तो वो भी ये चीज देख लेता हूँ, उस कीवर्ड्स पे आपको दिख रहा है तीसरे नंबर पे, जी हाँ तीसरे नंबर वो कीवर्ड्स पे है, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने डाला था आपका ग्रोसरी एंड्रॉइड ऐप, इस पे कितने नंबर पे आ रहा है ये देखिए भाई, दूसरे नंबर पे आ गया ग्रोसरी एंड्रॉइड ऐप दूसरे नंबर पर, भी इसके सर्चेस रैंक भी कितने ज्यादा है, ठीक है। और इसका मैंने और एक कीवर्ड के टाइटल में यूज किया था, तो देखिए मैंने 10 से 15 मिनट के अंदर मैं बताया, जो चीजें बताई वो कितने ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, चीजें बहुत लंबी आ रही है। अब ये ग्रोसरी स्टोर पे अगर हम देख रहे तो हमारी वीडियो तो आ रही है, पुरानी वीडियो है, बट जो अभी हमने वीडियो डाला है वो वीडियो में देखता हूँ कहाँ, ये देखिए ये वीडियो भी आ गया है, ये वीडियो कितने नंबर पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये 23वें नंबर पे, ये वीडियो 23वें नंबर पे, जी हाँ ये 23वें नंबर पे। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये वीडियो अब 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ये वीडियो टॉप पे आ जाएगा, जी हाँ टॉप पे आ जाएगा, ये मैं आपको 100% कह रहा हूँ, आप नहीं दे तो चेक करके देख लीजिएगा। और जहां अगर ये कीवर्ड से इस कीवर्ड पे तो आ ही जाएगा हमारे वीडियो, क्योंकि हमारे वीडियो इसमें कीवर्ड्स ऐड किया गया है, तो ये कीवर्ड्स जो ऐड कर, जैसे ये इस पे ऐड है, इस पे ऐड है, ये सब हमारी वीडियो है, ग्रोसरी स्टोर पे जब भी आप सर्च करेंगे तो उसको आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, हमारी वीडियो आपको मिल जाएगा। ये आपका वेबसाइट से रिलेटेड, ये वेबसाइट से रिलेटेड, ये भी वेबसाइट से रिलेटेड है, ये आप मोबाइल एप्लीकेशन से रिलेटेड, ये वेबसाइट से रिलेटेड है, ये सब हमारी अपनी वीडियो खुद की वीडियो है। अब इस राज्य में हमारे पास सब्सक्राइबर भी नहीं है कोई ज्यादा, ना वो है, ये हम जो ट्रेनिंग की वीडियो है, ट्रेनिंग की वीडियो हम पब्लिश कर देते हैं इस तरह से, क्योंकि कुछ हमारे क्या बन रहे थे, क्योंकि हम डिजिटल मार्केटर भी है, डिजिटल मार्केट ट्रेनर भी है, और साथ साथ वेब डेवलपमेंट भी है, ऐप डेवलपमेंट का भी काम करते हैं, हमारे खुद की अपनी कंपनी भी है,
कैपिटल टेक्नोलॉजीग्राम से। तो खैर कहने का मतलब ये था कि आप कीवर्ड्स को रैंक करना चाहेंगे तो रैंक करने के लिए जो प्रोसेस है वो प्रोसेस मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब इस प्रोसेस के अंदर आप यूज करते हैं तो आपको बहुत से कस्टमर मिल जाएंगे। आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस में बहुत अच्छा आइडिया है, आप अपना नंबर डाल कर रखे हो, जो आप सीखना चाहते हैं सिखा रहे हैं या फिर जो चीज आप जानते हैं लोगों को शेयर करते हैं तो वो चीज आप सुन डाल, बहुत से कस्टमर आपको यूं बैठे बैठे मिल जाएगा, घर बैठे बैठे, जी हाँ घर बैठे बैठे मिल जाएगा। मेरे केस में मैं आज की बात करूं तो आज मेरे केस में बहुत ज्यादा है, तकरीबन ये सारे दिख रहे हैं ये आज के कस्टमर्स है, ये सारे आज के कस्टमर्स है जो वेबसाइट से रिलेटेड कोई कस्टमर से, कोई कहीं का कोई कहीं का कोई कहीं का कस्टमर्स है। तो मेरे केस में आया, जब मेरे केस में आ रहा है तो आपके केस में क्यों नहीं आ सकता। अगर मेरे वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपका अंदाजा लग जाएगा कि मेरे वीडियो सब नॉन एडिटेड वीडियो होते हैं। अभी एक दो वीडियो मैंने एडिट करके डाला है, लेकिन अक्सर वीडियो हमारा नॉन एडिटेड वीडियो है। आप यहाँ पे देखेंगे ज्यादा वीडियो भी नहीं है हमारे पास, वो लगभग 15-16 वीडियो या कुछ होंगे, लगभग 20-25 वीडियो ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। तो इनमें से जो वीडियो है अभी की जो वीडियो है वो वीडियो ट्रेंडिंग अच्छा चल रहा है, तो उस पर जो है काम भी अच्छा हो रहा है। तो खैर कहने का मतलब ये था कि हमें ये दिखाने का मतलब था, आपको ये पूरा प्रोसेस दिखाने का मतलब ये था कि आप एक कीवर्ड्स को, एक वीडियोस को मल्टी कीवर्ड्स में किस तरह से रैंक करेंगे, पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखा दिया। कोई भी आपको अगर हेल्प की जरूरत हो, किसी तरह की हेल्प की जरूरत हो, वेबसाइट डाउन बनाने की, आपको वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनवाने की, ग्रोसरी स्टोर स्टार्ट करने की, या फिर इसी तरह से मल्टी स्टोर स्टार्ट करने की, या फिर आपको क्या नाम है ऑर्गेनिक स्टोर बनाना चाह रहे हैं, ई कॉमर्स स्टोर बनाना चाह रहे हैं, कुछ भी जो आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप उस आइडिया को हमें शेयर कीजिए, हम उस आइडिया को इतने ज्यादा ग्रोथ तक आपको पहुंचा देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। ये आप सोच भी नहीं सकते इतने ग्रोथ तक आप पहुंचा देंगे, क्योंकि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो कस्टमर आज कनाडा में भी है, आज हमारे यूएस में भी है, कतर में भी है, दुबई में भी है, मुंबई में सबसे ज्यादा आज के डेट मुंबई में सबसे ज्यादा है कस्टमर हमारे, बैंगलोर में भी हमारे कस्टमर्स हैं, इसके अलावा आपके अलग झारखंड में है, केरला में है, और आपका उड़ीसा में है, उड़ीसा का भुवनेश्वर वहां के वहां पे भी है, तो कई का हमारे कस्टमर्स है, इंडिया में भी आउट ऑफ इंडिया में भी है। बस ये वीडियो के थ्रू कुछ कस्टमर आए, कुछ ऐड के थ्रू भी कस्टमर आए। तो कहने का मतलब ये है टोटल कि आप भी अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, और विद इन 30-40 मिनट्स के अंदर अंदर आप अपने वीडियोज को रैंक कर सकते हैं। लेकिन हाँ एक बात याद रखिएगा, वीडियो बनाने के बहुत ध्यान देना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। वीडियो बनाना बहुत आसान है, तो वीडियो को एडिट करने बहुत टाइम लगता है। ये जो मैंने आप देख रहे हैं आधे घंटे की वीडियो है, आधे घंटे की वीडियो में लगभग मुझे एडिट करने में लगभग मुझे 2 से 2.5 घंटे लग गए सिर्फ एडिट करने में। ठीक है, अभी रात सुबह के 5 बज रहे हैं और ये मैं रात को कर रहा था। ठीक, तो क्या छोड़िए ये सब चीजें तो होती रहेंगी, जानते रहेंगे, लेकिन मेन जो फोकस था कि कीवर्ड किस तरह से रैंक करेंगे वो सारे प्रोसेस मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब भी आपको अगर अब भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्लेरिफिकेशन हो, कोई डाउट हो तो आप हमारे वीडियो में कमेंट्स कीजिए और हमें पूछिए, हम कोशिश करेंगे बताने के लिए, या फिर हम डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, या डायरेक्ट हम मेल कर सकते हैं, जो भी चीज आपको क्वेरीज है, आप अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो वो चीज उसके लिए भी कर सकते हैं। और बस एक पर एक आइडियाज है, एक पर एक कुछ चीजें लोगों को हम ऑफर करते हैं कि वो बिजनेस स्टार्ट करे, अपने आप को मजबूत बनाए, अपने आप को ग्रोथ कराए। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। और हाँ, लाइक शेयर तो बिल्कुल बनता ही है, इतना मैंने जो आपको बताया इतनी चीजें की, तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिए ताकि ये पूरी जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट दूसरों तक भी पहुंचे, दूसरों तक ये फायदा हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।